खेत है, खेत का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इनका भी अर्निंग हो रहा है, तो होने दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। सो गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसा होता है मधुमक्खियों का संसार। आप जो मेरे चारों ओर देख रहे हैं, ये सब मधुमक्खी रखने का जो बॉक्स है वो है, वो फार्मिंग होता है एक तरीके, बी कीपिंग जो फार्मिंग है वही फार्मिंग कर रहा है यहाँ पे कुछ लोग, तो बी कीपिंग का जो एक्सपर्ट है उनके साथ हम बातें भी करेंगे और कैसे क्या होता है, क्या पैसा लगता है क्या, बहुत सारे जानकारी देने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, तो वीडियो को देखते रहिए। I was tempted, tempted by your smile. I was tempted, and for a little while I was certain that I will be the one to change you and you. सो गाइस, ये लोग अभी जो बी कीपिंग का जो ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स के अंदर से वो हनी निकाल रहा है। मैं थोड़ा आया, ये सेफ्टी इन्होंने दिया मुझे लगाने के लिए, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ मक्खियाँ ही। ये जो बी है ये उड़ रहा है, कभी भी काट सकता है, अगर थोड़ा सा भी गलती हो गया तो कुछ ऐसा है सीन, ये देख सकते हैं आप, बहुत खतरनाक वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। एकदम प्योर रियल मधु, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स से अभी आज निकाला है आपने हनी, और दोबारा कब निकालेंगे, 5-7 दिन बाद। मतलब एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करें तो आप लोग कितने दिनों से ये कर रहे हैं? लोग ये तो 7 साल से कम कर रहा है, 7 साल हो गए हैं। टोटल आपके आप लोगों के पास कितना बक्सा है? ये जो बक्सा है ये हमारा पास टोटल है 330। 330 इनकम तो अच्छा खासा आता होगा, क्योंकि मेहनत तो लगता है इसमें। मेहनत ठीक है, लेकिन जो है सब कुछ का दाम बढ़ता है, जो है भाव है सब कुछ बढ़ता है, लेकिन सेहत का ही नहीं बढ़ता है। सेहत का भाव नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता है, सेम रहता है सेम। इस साल क्या होगा वो भी कंपनी ही बता सकता है। बाईस अगर बारिश आ जाए तो, बारिश आ जाएगा तो सरसों का फूल तो नहीं होगा। हाँ, उसका फूल झड़ जाएगा, मक्खी बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, खाना नहीं पाएगा, तो उसको चीनी घोल के खाना डालना पड़ेगा। चीनी घोल के खाना डालना, चीनी घोल के खाना ही डालना पड़ेगा। आप लोगों ने ये जो कर रहे इसके लिए कुछ कुकिंग वगैरह पहले कहाँ से सीखा था आप लोगों ने? हम लोग पहले सीखा था हमारा मालदा में, मालदा वहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। हाँ, वहीं पे एक मधुमक्खी का ऑफिस भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है मधुमक्खी का। अगर कोई नया करके शुरू करना चाहे तो मतलब सीख सकता है मालदा में जाकर? बहुत सरकारी है या प्राइवेट? सरकारी, प्राइवेट भी सीखते हम लोग, तो प्राइवेट भी काम करते है ना यहाँ पे, जो बरपेटा में जो एग्रीकल्चर है यही भी मक्खी दिया था 3 साल पहले।
आप लोगों ने दिया था? नहीं, हमारा वही बंगाल से ही, जो गवर्नमेंट का ये है ना, हाँ ऑफिस है, वहीं से दिया था। सो गाइस, मैं इसको लगा के ही बातें करूंगा क्योंकि सारा तरफ जो मधुमक्खियां है बहुत उड़ रहा है, कभी भी काट सकता है अगर कुछ भी मतलब मेरा वो क्या गलती वगैरह हो जाता है। अभी बहुत कुछ दिखा दिया और मैं बताना चाहूँगा कि इधर यहाँ पे जो है ये कंपनी का लोग है और कंपनी से ही आया है और बहुत सारे जगह जाते हैं जहाँ जहाँ फूल है वहाँ पे जाना पड़ता है इन लोगों को और जाके ऐसा करते हैं, कंपनी से इनको सैलरी मिलता है। और लगभग ये जो लोग आए हैं और इन लोगों ने एक साथ लगभग 400 बॉक्स लेके आया है। तो अभी ये लोग यहाँ पे 5 लोग आया है और ऐसा जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हनी निकलते हैं बहुत प्योर है और एकदम फ्रेश, उसमें कोई मतलब कुछ भी तरह का मिलावट नहीं है। आता है सीधे आपको दिखा ही दिया कैसा प्रोसेस होता है, कैसा कैसे निकालते हैं। अभी का जो टाइम है अभी बहुत धूप है तो जितना मधुमक्खियां है ये अभी बहुत मतलब उड़ रहा है क्योंकि अभी इनका टाइम हो गया है, बाहर जाएगा, बाहर जाके जो हनी है वो लेके आएगा। तो गाइस और 3 बातें करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो बी कीपिंग है ये आने से मतलब लोगों का खेत का जो है, नहीं मुझे पता है प्रोडक्शन बढ़ता है पर लोग सोचते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वही बात हम बोल रहे हैं, जो यहाँ पे जो बड़ बड़ा डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हाँ वही जाके सब कुछ पूछताछ कर सकते हैं। कहे की जो मधुमक्खी जो है, हाँ स्त्री फूल से पुरुष फूल से मिलन घटबा था, हाँ इसके लिए वजह से जो दाना होता है वो डबल दुगना होता है, दुगना होता है, फायदा ज्यादा है। लेकिन जो ये मधुमक्खी है ये सिर्फ वहाँ पर फूल जो रस मिलता है वही लेता है, उसके बाद कुछ नहीं। जो फूल एक फूल से दूसरे फूल में बैठेगा उसके बाद जो परागण मिलन होगा उसके बाद ज्यादा फायदा होगा सरसों का। ये जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे बंगाल में, स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब कुछ का लाइसेंस हम लोगों के पास है। ताकि जो ये जो खती होगा, ये जो खती होगा उसके बाद हमको तो कागज नहीं देगा सरकार से, ताकि जो दूसरे का जो प्रॉब्लम है खती हो जाएगा उसके बाद। मुझे पता है ये जो करते है उनसे खति नहीं होता है, उनसे प्रॉफिट होता है। जैसा कि आप मान लीजिए कि मुझे जितना पता है तो प्रोडक्शन कमता नहीं है, बढ़ता है 20% या 30% इतना तो बढ़ ही जाता है। ये जो मशीन है आप दिखाया है हमने, वो मशीन का कॉस्ट कितना आता है? कॉस्ट रेंज, हाँ ये कंपनी का है, कंपनी से दिया है, हाँ इसका रेंज लगभग 4000 होगा, 4-5 हजार। तो ये जो कंपनी है ना इसका खुद ट्रेड लाइसेंस है, GST भी है, सब कुछ उसका, सब कुछ है। वो लगभग 1990 साल से वो बिजनेस कर रहा है। हाँ हाँ। और ये जो एक बी कीपिंग के पर्पज से आप लोग कहाँ कहाँ ट्रेवल करते हैं? हम लोग दूर तक जाते हैं, हम लोग जाते हैं हजाई, जागी रोड से इधर आसाम से, इसके बाद चल जाते बिहार भागलपुर, तो उसके बाद चला जाता है हम लोग बंगाल में भी रहता है। एक जगह पे कितने दिन रहते हैं आप लोग? एक जगह में जितना दिन फुल रहेगा उतना दिन फुल रहेगा, तो पूरा इंडिया में घूमते रहते हैं। राजस्थान हम लोग नहीं जाते, हम लोग जाते हैं बिहार, झारखंड, असम, बंगाल। तो आपका ये प्राइवेट नहीं है, आप कंपनी से आप लोग आए हैं, कंपनी का है और उसमें से मतलब अगर ऐसे प्राइवेटली तो कोई कर सकता है? हम लोग का गांव में तो हर आदमी ही प्राइवेट करता है, करता है। कि जो प्राइवेट करता है ना उसको, हाँ ट्रेनिंग दिया है पहले, हाँ हाँ ट्रेनिंग लेना पड़ता है। ट्रेनिंग लेने के बाद सब कितने दिन लेना पड़ता है? ट्रेनिंग वहाँ पे एक महीना लिया था सब, अभी भी ट्रेनिंग लिया है। हाँ ट्रेनिंग, हाँ हाँ तो ट्रेनिंग तो लेना ही पड़ेगा। तो गाइस आज के वीडियो में ये सब था, अभी उसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे मधुमक्खी अभी उड़ रहा है वहाँ पे, जानने से काटने का चांस है, वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बहुत सारे बातें आप लोगों को बताया और ये आप एक बात तो ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि मधुमक्खियाँ रहने से मतलब उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, इन्हें तो कुछ खराब हो सकता है, वैसा वैसा कुछ नहीं होगा। मधुमक्खियाँ यहाँ पे है और इनके चारों ओर जितना खेत वगैरह है जिन जिन में फूल है तो उनके लिए तो अच्छा है क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा, 20% 30% प्रोडक्शन बढ़ेगा, ऐसा इन लोगों का भी मानना है। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो है ये लोग जो है कंपनी से है और कंपनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो उनको
ट्रेनिंग दे के ही भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा है। अगर लोगों का खुद होगा, लोगों का अगर नुकसान होगा तो वो लोग क्यों भेजेगा, वो लोग नहीं भेजता। तो उसमें मत जाइए कि खराब होगा, खराब नहीं होगा, अच्छा ही होगा, रहने दीजिए। इनका भी कुछ अर्निंग हो रहा है, सबका भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आप जो खेत है, खेत का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इनका भी अर्निंग हो रहा है, तो होने दो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है। गाइस अभी चलते हैं, आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए। और एक बात, जाते जाते ये जो बक्सा है, ये सब अभी यहाँ पे बहुत सारे बक्सा अभी एक्स्ट्रा ला के भी रखा है, क्योंकि हर दिन वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है, तो उनके लिए अलग अलग बक्सा, मतलब वो इंक्रीज होता रहता है, तो उनके लिए एक्स्ट्रा जो बॉक्स है, बॉक्स भी ला के रखा है इन्होंने। तो ठीक है, चलते हैं, अभी हो गए हैं, बहुत सारे बातें भी कर लिए और जितना हो सकता था मैं दिखाने की कोशिश किया है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओ भाई साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पे आके बैठा है एकदम मेरे मुंह के सामने।